मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह की ड्यूटी शुरू हो गई मेरी, आज सुबह वाले भैया आए नहीं हैं, आज मैं ही हूँ पूरा दिन और रात भी। देव को भी लेने जाना है, अब मैं आया हूँ, अभी दुकान बंद है, बस अब कुछ काम है वो करके जा रहा हूँ। आज दुकान की लाइट और पंखे भी मैंने ही जलाए दोस्तों, कोई आया नहीं है। फ्रिज की लाइट भी मैं ही जला रहा हूँ। आज हो गया, दुकान खुलने में भी लेट हो गई और मैं देव को लेने जाने लगा था, अब आ गया एक ऑर्डर, अब वो ऑर्डर पैक करना है, ऑर्डर पैक करके मैं जा रहा हूँ देव को लेने। आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरा 30 day 30 vlog टारगेट अचीव हो गया है। क्लैपिंग। मंडप सजाएंगे घर में, घर छोटा सा है बट छोटे से ही मंडप सजाएंगे, दिल बड़ा होना चाहिए दोस्तों। तो चलो भाई स्टार्ट हो जाइए, वो कल की तरह दिक्कत नहीं देना, ठीक है। ठीक है, इस बार जो गणेश जी आए हैं उनका विसर्जन नहीं होगा, वो घर में ही रहेंगे हमारे साथ। जल्दबाजी में मैंने आज कंघी भी नहीं करी, दूसरा बेल्ट भी नहीं पहनी, एकदम से आ गया, मैं ऑर्डर आ गया था। चलो भाई स्टार्ट हो जाइए, वो कल की तरह दिक्कत नहीं देना, ठीक है। ठीक है, इस बार कुछ यार मैंने बिल्कुल ही कंघी नहीं हुई, घर जाके करता हूँ। गणेश जी को लेने और साथ में है हमारे रोजी और उत्तराख, तो गणेश जी आपको दिखाएंगे नहीं, कल दिखाएंगे, जब पंडाल सज जाएगा तब दिखाएंगे, अभी तो लेने आए हैं मार्केट में। आपको मेरे जो पीछे दिख रहे हैं वहाँ नहीं है, मैं आया हूँ साईं बाबा मंदिर रोहिणी में, और गणेश जी मेरे सामने हैं, बिल्कुल बढ़िया एकदम अच्छे गणेश, सारे वैसे तो अच्छे होते हैं बट रोजी ने जो पसंद किया है वो वाले। हाँ रोजी पसंद आ गए हैं, बढ़िया है, रोजी ने कह दिया बढ़िया, तो फिर बढ़िया ही है जी। गणेश जी आ गए हैं गाड़ी में, हमारे साथ हैं, और इस बार जो गणेश जी आए हैं उनका विसर्जन नहीं होगा, वो घर में ही रहेंगे हमारे साथ। गणपति बप्पा मोरिया। हाँ जी, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति। हम गणेश जी को ले आए हैं अपने घर पर, और इस बार के जो गणेश जी हैं वो घर पर ही रहेंगे दोस्तों, कहानी में तो यही ट्विस्ट है। इससे पहले हम गणेश जी जैसे लोग करते हैं, गणेश जी लाते थे और हाँ भाई देव आ गया, आ जा देव आ जा, तो हम गणेश जी लाते थे, बैठ जाएंगे यार, आ जाना, तो हम गणेश जी लाते थे। हमको एक पंडित जी ने राय दी थी कि अगर आप मानो तो मैं आपको राय दूँ, मैंने कहा हाँ जी बता दो, तो उन्होंने बोला कि उनके अकॉर्डिंग कि ये जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है जो कर रहे हैं, बट आपको अगर वो राय, अगर आप उनकी राय मानो, उन्होंने बोला अगर वो अगर पंडित जी ने कहा था कि ये या लाते हैं फिर यमुना में भेज देते हैं, तो ये मुंबई में चलता हुआ आ रहा है, वहाँ पे उनका परिवार है घर है, लेकिन मुंबई से देखते देखते पूरे देश ने कर लिया है, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, वो पैरों में आते हैं वहाँ मुंबई में तो उनका घर है, तो फिर हमको उनको ला के रखना चाहिए। अब आप गणेश जी को बुलाते हो, बुला के आप कहते हो बुलाते हो, फिर पाँच दिन बाद हम मार्बल के गणेश जी लाए हैं जो हमारे घर ही रहेंगे, जो 4-5 दिन का टाइम रहता है पूजा का, वो हम पूजा करेंगे, मंडप सजाएंगे घर में, घर छोटा सा है बट छोटे से में ही मंडप सजाएंगे, दिल बड़ा होना चाहिए दोस्तों, तो वो करेंगे और कल हम सुबह अपना करेंगे, तैयारी कर रही है रोजी सारी। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा एक और मुबारकबाद है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मेरा 30 day 30 vlog टारगेट अचीव हो गया है। क्लैपिंग। हमारे पास मीम्स नहीं है अभी, तो हम अपना ही चला लेते हैं दोस्तों, अभी हमको ना मीम्स डाउनलोड करके डालने नहीं आते हैं इतने मोबाइल में तो हम अपना ही कर लेते हैं अभी, है कहा था ना, कहा था ना, कहा था ना।
समझ गए ना तो वो अभी हमारे को मीम्स वाला सिस्टम आ नहीं रहा है, मोबाइल पे करते हैं और टाइम भी इतना नहीं होता, तो हम बस अपना ही कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं खुद ही। तो हमारे 30 डे 30 व्लॉग कंप्लीट हो गए हैं। मुझे तो सही बताऊँ याद भी नहीं था, मैं अपने मामा जी से अभी बात कर रहा था किसी सिलसिले में, तो बात करते करते उनसे बात हुई तो पता लगा कि हाँ 30 डे 30 व्लॉग कंप्लीट हो गया है। तो चलो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप कि आपने वीडियोस को वॉच किया और 30 डेज कंप्लीट करे, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तभी अगले दिन बंदा वीडियो डालता है। अगर 2-3 व्यूज में ही आदमी रह जाए तो आदमी का मोटिवेट नहीं होता और आदमी वीडियोस नहीं डालता। तो जैसे कि मैंने नया शुरू किया था तो मेरे को 70-80-100 व्यूज़ भी वीडियोज़ में आए हैं। नॉर्मली देखा जाए तो बहुत कम है, बट स्टार्टिंग में किसी को मोटिवेट करने के लिए 100 व्यू 120 व्यू काफ़ी है, बट एवरेज व्यू कभी 50-60 आ जाते हैं, कभी 70-80 आ जाते हैं, बट ठीक है इतना काफ़ी होता है आदमी को कि आदमी ने आज वीडियो डाला और अगले दिन तक उसमें 80 व्यूज़ आए हुए हैं, तो वो लगता है कि हाँ चलो अगले दिन डाल सकते हैं। अगर 2-3-1-2 व्यू आते रहे तो फिर आदमी की हिम्मत नहीं करती, वगैरह खाली मैं अपना टाइम ही खराब करे जा रहा हूँ, मोबाइल में डाले जा रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है। बाकी इसीलिए आप सब लोगों का धन्यवाद। हाँ एक चीज़ हो रहा है, अभी तक मैं काफ़ी जस्ट नॉर्मली वे में 30 डे का टारगेट मैंने रख लिया था और वो कंप्लीट हो गया। और अरे नहीं पब्लिक की डिमांड 100 डेज 60 कर लो, 60 कर लो, 100 डे थोड़ा ज़्यादा 60 डे कर लेते हैं। अबे वो रिकॉर्डिंग चल रही है, 30 डेज नहीं 60 डेज कर लो। गाइस अब आपको पापा को मोटिवेट करना है और आपका टारगेट है 100 के व्यूज सब्सक्राइबर्स। अच्छा 100 के सब्सक्राइबर, 100 के हो जाएगा आई वेट। तो एक चीज़ और सोच रहा हूँ मैं कि ये जो दोस्तों वाला वर्ड है ना ये थोड़ा वैसा रहता है, आउटडेटेड सा रहता है, तो गाइस वाला सिस्टम ठीक रहता है मेरे ख्याल से। तो बीच बीच में दोस्तों चल जाए, हेलो दोस्तों, थोड़ा ना वैसा लगता है कि पता नहीं कौन सा क्या हो गया, गाइस वाला सिस्टम चल रहा है तो गाइस वाले को ही सिस्टम में लाते हैं। तो ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, तो दोस्त थोड़ा कम कर देंगे, गाइस वाला सिस्टम चला लेते हैं आज से। तो 30 डेज 30 व्लॉग कंप्लीटेड, ओके गाइस कल आते हैं गणेश जी के साथ और 60 वीडियो के नए टारगेट के साथ। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय और ओके गाइस न्यू वर्ल्ड। हमारे घर के सामने पार्क है, वहाँ पर खाटू श्याम जी का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। नहीं सकते लाइन में, मैं दुकान छोड़कर आया हूँ थोड़ी देर के लिए। जितना पीछे होकर बैठेंगे उतना थोड़ी देर अच्छा रहेगा, और आप सभी से निवेदन के थोड़ा आगे आ जाओ, दूर नीचे बैठे तो गाइस टाइम हुआ है रात के 12:15 है और अंदर मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला। हमारे घर के सामने पार्क में कीर्तन हो रहा था खाटू श्याम जी का, मैं तो रुद्राक्ष तो चले गए थे देखने, गए देखने तो वहाँ पर पता लगा कि भीड़ बहुत थी, एकदम से पता नहीं क्या हुआ वहाँ पर सारे लोग जो हमारे सामने लोग बैठे हुए थे मंडप से पहले, तो वो सब खड़े हो गए 40-50 आदमी जो है चला गया वापस, आ रहा था वापसी की तरफ, हमें लगा कि ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने कहा भाई क्या हो गया सब जा रहे हैं, वो बेसिकली वैसे बैठे होंगे लोग काफ़ी देर से, तो वो जा रहे थे। तो हमारे लिए ये फ़ायदा हुआ कि हमारे सामने जो भीड़ थी वो एकदम छट गई और हमारा रोजी दुकान पर बैठी थी, और हमने वहाँ पर आधा घंटा बैठ के इन्जॉय किया, आनंद लिया बढ़िया, और अच्छा अच्छे अच्छे सिंगर थे, कोई कोई आए हुए थे एक दो, बढ़िया चल रहे थे खाटू श्याम जी का, बढ़िया मंदिर बनाया हुआ था, तो बस वहाँ ही रहा हमारा। बाकी हम आ गए, फिर मैं आ गया था दुकान पे और फिर मैंने अब दुकान बढ़ा दी, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, कैसा लगा ये वीडियो आज का कमेंट करके बता दो दोस्तों, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ गणपति जी के साथ, बाय बाय।